फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। चलिए पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 अ म्यूचुअल फंड स्कीम हैड 18 लाख यूनिट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। द स्कीम अर्न 162 लाख रुपीज इन 2016-17, आउट ऑफ विच 90 लाख वॉज अर्न इन फर्स्ट हाफ। ऑन 30 सितंबर 2016 2 लाख यूनिट वर सोल्ड एट एन एवी वैल्यू ऑफ रुपीज 70। पास जनरल एंट्री फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एट द एंड ऑफ 2016-17। तो फ्रेंड्स, इसी ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको करते हैं। पहले थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा वर्किंग नोट। चलिए बताते हैं। देखिए, आप लिखेंगे फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, टोटल। ठीक है, फर्स्ट हाफ में जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं एग्जिस्टिंग वो तो हैं 18 लाख। और जो न्यू इशू करी हैं वो करी हमने 2 लाख। इसका मतलब फर्स्ट हाफ में 18 लाख हो जाएंगे और सेकंड हाफ में हो जाएंगे 20 लाख। ठीक है, अब हम इनकम की बात करते हैं। इनकम जो अर्न हुई है वो टोटल हुई है 162 लाख की। इस 162 लाख में से फर्स्ट हाफ के हैं 96 लाख, सेकंड हाफ के हैं 72 लाख। सो इनकम अगर हम पर यूनिट निकालना चाहें और यहाँ पे 72 3.6, ठीक है, तो यानी कि 8.6 लाख रुपीज पर यूनिट की इनकम हुई है ऑन अ एनुअल बेसिस। अब जब हम इनसे 2 लाख यूनिट को इशू करेंगे तो वी विल कलेक्ट इन रुपीज 5 रुपीज़ पर यूनिट फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। सो दिस इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम न्यू यूनिट्स। ठीक है जी, चलिए। सो अब आप देखते हैं कैसे होगी एंट्री। पहली एंट्री 30 सितंबर 2016 को होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू यूनिट कैपिटल 20 रुपीज़ से, टू रिजर्व ये 10 रुपीज़ आ जाएगा, ये 60 रुपीज़ आ जाएगा, तो 120 रुपीज़ से, एंड टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन ये कितना आएगा 10 लाख। तो ये हमारे 150 आ जाएंगे, ये रुपीज इन लैक्स है। 31 मार्च 2017 को हम जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन है ये ट्रांसफर कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट्स में। ठीक है जी, और 31 मार्च 2017 को रेवेन्यू अकाउंट्स से पेमेंट हो जाएगी 162 लाख जो अर्न किए थे, प्लस 10 लाख जो आपके डिविडेंड इक्वलाइजेशन के थे। सो ईच यूनिट विल गेट 172 डिवाइडेड बाय 28.6 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, अब आप क्या नई यूनिट को 8.6 रुपीज़ मिला है? नो। सो इनकम टू न्यू यूनिट होल्डर रिसीव्ड हुए हैं ऑन 31 मार्च
8 रुपीज़ 60 पैसे पे किए थे ऑन 30 सितंबर 2016 एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन 5 रुपीज़। तो 3.6 रुपीज़ ये आपकी नेट इनकम आई है पर यूनिट। और देखिए ये पर यूनिट की इनकम सेकंड आप वालों की 3.60 रुपये थी ना, तो ये कंसेप्ट ही डेवलप इसीलिए हुआ कि जो नई यूनिट्स हैं उन्हें एग्जिस्टिंग यूनिट्स का बेनिफिट ना मिले, एग्जिस्टिंग यूनिट ने जो पैसा कमाया वो एग्जिस्टिंग यूनिट को ही रहे, इसी वजह से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है। एग्ज़ाम में आने के इसके बहुत चांसेस हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाइएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब।